अमिता ठाकुर, आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी। जी हां, योगी सरकार ने अब 18 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण शुरू करने जा रही है। पहले चरण में केवल 7 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली जिलों में ही वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब इसमें 11 और जिलों को जोड़ दिया गया है, जिसमें नोएडा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, मथुरा, अयोध्या, झांसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज शामिल हैं। तो आपको बता दें कि 18+ के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत 11 और जिलों में आज से शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है। और इससे पहले जब शुरुआत हुई थी 1 तारीख से, तब मात्र 7 जिलों में ही शुरुआत हुई थी, लेकिन अब बाकी के और 11 जिलों को जोड़ा गया है। असम में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर बीजेपी ने इतिहास बनाया है और अब पार्टी ने प्रदेश में सीएम का चेहरा भी बदल दिया है। बीजेपी के कद्दावर नेता हेमंत बिस्वा सरमा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा, यह नाम असम की राजनीति में जाना पहचाना है। 2015 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हेमंत बिस्व शर्मा ने 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हेमंत बिस्व शर्मा ने तब कहा था कि राहुल गांधी ने उन्हें समय नहीं दिया, राहुल उन्हें समय देने के बजाय अपने डॉगी से खेलते रहे। कांग्रेस में ये संस्कृति है कि आप राहुल का ऊपर ही लॉयल ना रहो, आप राहुल का कुत्ते में भी आप लॉयल रहो, तो यही कांग्रेस का जो संस्कार है। आज आप देखेगा कि जैसे कांग्रेस लोग अभी उनको प्रोटेक्ट करने में आ जाएगा, आपको लॉयलिटी क्या है, तो कांग्रेस में ये सिखाया जाता है देश के लिए लॉयल मत रहो, आप गांधी फैमिली के लिए लॉयल रहो। और जब गांधी फैमिली के लिए आप लॉयल बनता है, साथ का साथ उनका अगर कुत्ता होगा, उनका सिक्योरिटी गार्ड होगा, उनका साथ भी आपको लॉयलिटी निभाना पड़ेगा, ऐसा संस्कार उन्होंने देश में बना दिया। इस वाकये ने न सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा की राजनीति बदल दी, बल्कि बीजेपी की रणनीति भी यहीं से बदल गई। हेमंत बिस्व शर्मा असम में बीजेपी के बाहुबली बन गए। सीएम सर्बानंद सोनोवाल जरूर थे, लेकिन पर्दे के पीछे संगठन को मजबूत करने की सारी ताकतें हेमंत बिस्व शर्मा की ही थी। और आखिरकार वो पल आया जब असम में जीत की पताका फहराने के बाद बीजेपी ने हेमंत बिस्व शर्मा को अंगवस्त्र पहना दिया। असम में बीजेपी की विजय के बाद ये बड़े बदलाव की तस्वीर है। विधायक दल की बैठक के बाद नए सीएम के तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पर मुहर लगी और फिर असम बीजेपी के प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद सीएम पद के लिए हेमंत के नाम का ऐलान किया। वरिष्ठ मंत्री के रूप में जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल के नेता के रूप में किया। हेमंत के नाम पर मुहर लगते ही विधायक उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। दरअसल पार्टी और लोगों के बीच इसी मजबूत पकड़ के जरिए हेमंत बिस्व शर्मा ने मंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। बिस्व शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही उन्होंने जनता के बीच अपनी पकड़ से बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के विस्तार में भी बिस्वा की अहम भूमिका मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के करीब 45 विधायकों का हेमंत को समर्थन है। विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत की निगाहें सीएम की कुर्सी पर थी। भले ही उन्होंने इस पर खुलकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बार बार कहते रहे कि जीत के बाद पार्टी सीएम पद पर फैसला लेगी। असम में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए लगातार मंथन चला, दिल्ली में बैठकें हुई और अंत में सीएम पद पर हेमंत के नाम की मुहर लग गई। राज्यपाल से मुलाकात कर हेमंत बिस्व शर्मा से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है और आज वो असम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कह सकते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने पर्दे के पीछे जो मेहनत की, पर्दे पर मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें फल दे दिया गया है। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।